नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक सिंह दैनिक सर समाचार से। 2014 से पहले के जम्मू कश्मीर की क्या तस्वीर थी और 2014 के बाद की जम्मू कश्मीर की क्या तस्वीर है, आपको आज विस्तार से बताने जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर जो कभी अपनी खूबसूरती के लिए पूरी दुनिया में मशहूर था, 2014 से पहले हिंसा, अशांति और आतंकवाद का शिकार हो चुका था। 2014 से पहले यहाँ की घाटियाँ जो कभी सैलानियों से भरी रहती थी, आतंकवादी गतिविधियों और पत्थरबाजी के कारण वीरान हो चुकी थी। टूरिज्म सेक्टर पर इसका गहरा असर पड़ा था, जिससे यहाँ की अर्थव्यवस्था भी बुरी तरह से प्रभावित हो चुकी थी। लेकिन पिछले एक दशक में जम्मू कश्मीर में हालात पूरी तरह से बदल गए हैं। आर्टिकल 370 के हटाने के बाद केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर को शांति और विकास के रास्ते पर ले जाने का संकल्प लिया है। अब हालात बदल चुके हैं। आतंकवादी गतिविधियों पर लगाम कसने, पत्थरबाजी की घटनाओं को रोकने और अलगाववादियों की गतिविधियों पर कड़ी कार्रवाई के कारण आज जम्मू कश्मीर एक बार फिर से पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र बन गया है। सरकार ने सुरक्षा स्थिति में सुधार करने के साथ साथ पर्यटन स्थलों के विकास पर भी ध्यान केंद्रित किया है। आज जम्मू कश्मीर में गुलमर्ग, सोनमर्ग, पहलगाम और डल झील जैसे पर्यटन स्थल फिर से सैलानियों से गुलजार हो रहे हैं। केंद्र सरकार की योजनाओं ने जम्मू कश्मीर में पर्यटन के विकास को नई दिशा दी है। हवाई और सड़क कनेक्टिविटी में सुधार किया गया है। साथ ही सरकार ने कई नई परियोजनाएं शुरू की हैं, जैसे स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट और सहायक खेलों के लिए सुविधाओं का विस्तार। इससे राज्य में रोजगार के अवसर बढ़े हैं और स्थानीय लोगों की आय में वृद्धि हुई है। तो 2014 के बाद जम्मू कश्मीर की तस्वीर पूरी तरह से बदल गई है। पहले जो यहां पर कृत्य होते थे वो अब पूरी तरह से तो नहीं, लेकिन काफी हद तक रोक लग गई है। आतंकवाद खत्म हो गया है, टूरिस्ट जो है वो यहाँ पर अब आने लगे हैं, कश्मीर में आने लगे हैं। जम्मू में भी काफी विकास हुआ है, लेकिन जम्मू के लोग काफी परेशान हैं। वो कहते हैं कि पूरी तरह से कनेक्टिविटी हमारी तोड़ दी गई है और यहाँ पे टूरिस्ट आते नहीं हैं। ये बाजार, इस समय हम रघुनाथ बाजार में खड़े हैं, तो इस बाजार के लोग इस समय तो थोड़ा टूरिस्ट आ रहे होंगे, लेकिन पहले अगर हम थोड़ा सा देखें तो इतने ज्यादा परेशान थे यहाँ के लोग। वो कहते थे कि किस तरह के फैसले लिए जा रहे हैं और जम्मू में टूरिस्ट आए उसके लिए केंद्र सरकार क्या कर रही है। लेकिन हाँ, ये कह सकते हैं कि 2014 से पहले और 2014 के बाद का जम्मू कश्मीर, उसमें पूरी तरह से बदलाव आ गया है। आपको क्या लगता है, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। और देखते रहे दैनिक क्षण समाचार, मुझे और मेरे सहयोगी अरुण कुमार को दें इजाजत। नमस्कार।